तो दोस्तों हम जयपुर में, आप लोग को तो पता ही है, जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तैयार हो चुके हैं। अभी एक ऑटो बुक करेंगे फिर जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जाएंगे, तो आप ही लोग तो कमेंट में बताए थे कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट और भी काफी सारा जगह का नाम लिए थे। जितना हो सकता है आज हम सब कवर करेंगे व्लॉग में। तो अभी निकलते हैं, ऑटो बुक करते हैं और जाते हैं घूमने। और हाँ गाइस, हमको एक चीज पूछना था आप लोग से। आप में से तो काफी लोग जयपुर के है ना, हमको एक छोटा सा कंफ्यूजन था, आप हमको क्लियर कर दीजिएगा कमेंट में बता के। काफी लोग कमेंट में लिखा था टकला नेताजी आमेर फोर्ट जाइएगा, और कुछ लोग कमेंट किया था टकला नेताजी अंबर फोर्ट जाइएगा। अब ससुराल इस बात को लेके हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों एक ही जगह है या अलग अलग है। काहे कि हम गूगल पे खोज खोज के परेशान हो गए, हमको कुछ समझे में नहीं आया। देखिए ना, हम यहाँ पे टाइप किए गूगल खोल के, जितना अंग्रेजी हमको आता है उतना ही लिखे। काहे कि आप लोग को तो पता है ना इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग का कैसा चल रहा है, मास्टर जी अच्छा से तो पढ़ा नहीं रहे। जितना आता था ना उतना ही लिखे। जोर जोर से हंसिएगा, काहे कि अब ये भी नहीं बोल सकते कि हंसिएगा नहीं तो हमारा वीडियो तो बेकार हो जाएगा ना। हम तो हंसाने के लिए ना वीडियो बनाते हैं, तो आपको कैसे मना कर सकते हैं कि हंसिएगा नहीं। लेकिन चलिए, आप लोग हंसिएगा तो हमारा बेइज्जती होगा, लेकिन आप लोग को हंसाने के लिए टकला नेता अपना बेइज्जती भी सह सकता है। देखिए हम यहाँ पे क्या सर्च किए, आमेर फोर्ट डिफरेंस बिटवीन अंबर फोर्ट। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा साइट सब खुल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल ऑल्सो आस्क इज अंबर और आमेर सेम। देखिए उसके नीचे क्या लिखा है, आई टू हैड सम कंफ्यूजन दैट आमेर एंड अंबर आर डिफरेंट फोर्ट्स इन जयपुर। कठिन है थोड़ा अंग्रेजी, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। दे आर नॉट, अंबर फोर्ट इज फुल ऑफ हिस्ट्री एंड मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स इन दी एडवांस्ड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी रेन हार्वेस्टिंग ETC। अब देखिए ये ससुरा तो हमको और कंफ्यूज कर दिया। यहाँ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अंबर और आमेर सेम है, ये क्या इतना लंबा चौड़ा कथा लिख दिया। डायरेक्ट नहीं लिख सकता था यस और नो, ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा कथा लिख दिया। उसके बाद भी हमको कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए, तब ना हम जाएंगे घूमने। चलिए तब तक दूसरा कुछ घूम लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं घूमने के लिए। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है जयपुर। आप लोग खाली घर में बैठे रहिए, बोल रहे घूमने आइए तो घूमे नहीं रहे। दुनिया में इतना बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने के लिए, आप लोग खाली घर में बैठे हुए हैं। बाहर निकल के घूमिएगा तभी ना कुछ सीखिएगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा, माइंड फ्रेश होगा। और ये जो रोज का झगड़ा झंझट है, लफड़ाबाजी है, इससे दूर रहिएगा। हम कभी देखते हैं कितना लफड़ाबाजी होता था कद्दूपुर में, घूम रहे तो मजा आ रहा है। हाँ ये बात अलग है कि नोट बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तो टकला नेता, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम घूमेंगे दबा के और खाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम जयगढ़ फोर्ट घूमने आ चुके हैं, और जयगढ़ फोर्ट में टकला नेता को कौन मिला, लंगूर। देख रहे ना कैसे देख रहा है टूरिस्ट लोग को, काश हमारे पास अंगूर होता तो इस लंगूर को खिलाते। एक काम करते हैं दोस्तों, इसके साथ अपना एक तो सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है। ए लंगूर भैया, दो मिनट में रोक लीजिए ना, फोटो खींचना है। इधर देखिए इधर, अरे अरे चला गया, हमारा वैल्यू ही नहीं दिया, चला गया। चलिए दूसरा लंगूर मिलेगा उसके साथ फोटो ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों हम दूसरा लंगूर खोज लिए, ये कुछ खा के बैठा है, मुँह में जूठा लगा हुआ है ये, लेकिन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अंधेरा में कहीं मिल जाए तो आदमी डरिए जाएगा देख के। देख रहे ना दोस्तों इस लोग का जिंदगी कितना बढ़िया है, कहीं भी घूमना होता है पैसा नहीं लगता है, बिना पैसा के घूम लेता है, बढ़िया बढ़िया जगह रहता है, और हम लोग को घूमने के लिए पैसा लग जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम मोमो का दुकान पे मोमो खाने आए हैं, ऑर्डर कर दिए है। लेकिन आप लोग तो सोच रहे होंगे टकला नेता घुमाया नहीं, आज हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया दोस्तों, इसीलिए हम नहीं घुमा पाए आप लोग को। ये दूसरा कैमरा खरीदना पड़ा वीडियो बनाने के लिए, वो जिस कैमरा से शूट कर रहे थे ना वो लंगूर लेके भाग गया हमारा, आधा घंटा से दौड़ रहे थे उसके पीछे, फिर भी कैमरा नहीं मिला। वो पता नहीं कौन सा गाछ पे चढ़ के बैठ गया था, रील्स बना रहा था अपना, बैठ के डांस कर रहा था, एक बंदरिया शूट कर रही थी उसका वीडियो। हम हैरान हो गए, आजकल बंदर बंदरिया लोग भी नाच रहा है इंटरनेट पे। खैर छोड़िए, मोमो खा लेते हैं, बहुत भूख लग रहा है, इतना दौड़े उसके पीछे कसरत किए, हमारा तो पूरा ताकत ही निकल गया शरीर का। चलिए दोस्तों कैमरा थोड़ा देर बंद करते हैं, मोमो खा के बात करेंगे आप लोग से, काहे कि हम जब खाते हैं ना तो हमारा वीडियो अच्छा नहीं आता है। अरे बाबू मोमो में क्या डाला था तुम, एकदम उल्टी जैसा लग रहा है हमको। अरे सर वो एक गलती हो गया। क्या गलती हुआ? अरे सर अगर बताएंगे तो आप मारिएगा। अरे नहीं बताओगे तो भी मारेंगे, बताओ क्या डाले थे मोमो में। अरे सर सवेरे में जब मोमो का मसाला बना रहे थे ना तो उसमें एक छिपकली मर गया था, तो हम छिपकली तो निकाल के फेंक दिए, लेकिन सर हम मसाला नहीं फेंके, काहे कि हमारा नुकसान हो जाता ना, तो वही मसाला का मोमो हम आपको खिलाए है, शायद इसीलिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। क्या रे, तुम हमको मरा हुआ छिपकली का मोमो खिलाया, अब तुम्हारा बात सुन के तो हमको सच में उल्टी आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपना होटल पहुंच चुके हैं और हमारा पूरा तबीयत खराब हो गया है।
जब से होटल में आए 3 बार उल्टी कर चुके हैं हम। उस साला पागल मोमो वाला हमको छिपकली वाला मोमो खिला दिया। कहाँ हम सोचे थे थोड़ा देर आराम कर लेंगे होटल में, फिर जाएंगे घूमने के लिए। देह में लग रहा हमारा शक्ति नहीं, अब क्या घूमेंगे हम। वो तो अच्छा हुआ हम दवाई का दुकान से दवाई ले लिए, दवाई वाला हमको दवाई दे दिया, नहीं तो आज तो हमारा जान चला जाता। कुछ राहत मिला हमको, बहुत तबीयत खराब हो गया दोस्तों, हमारा बहुत तबीयत खराब हो गया है। बार बार गला भी सूख जा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। सोचे थे डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन रास्ता में इतना तबीयत खराब हो गया ना, होटल आ गए हम आराम करने के लिए। अब सोच रहे होटल वाले को ही बोल देंगे, कोई बढ़िया डॉक्टर को भेज देगा, जो भी डॉक्टर का फीस होगा दे देंगे हम। हेलो, रूम नंबर 102 से बोल रहे हैं टकला नेता। अपना स्टाफ के यहाँ से 1 गिलास गर्म पानी भेजवा दीजिए और एक बढ़िया डॉक्टर को बुलवा दीजिए, हमारा तबीयत बहुत खराब हो गया है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तब तक स्टाफ को भेज दीजिए गर्म पानी लेके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गर्म पानी पिलाने के लिए। नीचे जाओ, अपना मैनेजर को बोल दो जल्दी से डॉक्टर को भेज देगा। ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ। और कुछ लगेगा सर आपको? नहीं फिलहाल तो नहीं लगेगा, बस डॉक्टर को बुलवा दो जल्दी से। जी जी सर, जल्दी भेजवाते हैं। तो आप पेशेंट हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हम पेशेंट हैं। एक बात पूछे डॉक्टर साहब? अरे एक सवाल क्यों, 4 सवाल कीजिए, लेकिन हम जवाब एक ही का देंगे, बता दिए। अरे डॉक्टर साहब, जब 4 सवाल का आप जवाब दीजिएगा ही नहीं तो हम पूछे ही क्यों, हम एक ही पूछेंगे। ये बताइए, आपका कोई जुड़वा भाई है क्या लद्दाख में? हाँ टकला जी, है मेरा जुड़वा भाई साहब। काहे ऐसे काहे पूछ रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, हम आपका भाई से लद्दाख में मिले थे, वो होटल में नौकरी करता है ना? करता होगा टकला जी, हमको नहीं पता है। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, वो आपका भाई है, वो नौकरी करता है, आपको नहीं पता है? अरे टकला जी, हमारा 200 जुड़वा भाई है, किसके किसके बारे में पता रखेंगे, और ऐसे भी हमारे पास इतना फालतू का समय नहीं कि हम यही सब पता करें। आपको इलाज कराना है कि नहीं ये बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारा इलाज कर दीजिए, बहुत कमजोरी लग रहा है हमको। ऐसे कहाँ है कमजोरी, शरीर में कि दिमाग में? अरे शरीर में डॉक्टर साहब, दिमाग में क्या कमजोरी होगा, दिमाग तो हमारा बहुत तेज है। ऐसे हुआ क्या आपको? अरे डॉक्टर साहब, हम ठेला पे मोमो खा लिए, मोमो वाला मोमो में छिपकली मार के खिला दिया, बस तब से हमारा तबीयत खराब हो गया है, 3 बार उल्टी कर चुके हैं, पूरा देह में कमजोरी लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, आपको मोमो वाला खाली छिपकली खिलाया, हमको तो छिपकली के साथ तिलचट्टा भी खिलाया था, बहुत स्वादिष्ट था उसका मोमो। ऐसे वो मोमो वाला कौन था बताइए तो, जाकर बोलेंगे टकला जी को मोमो में छिपकली के साथ तिलचट्टा डालकर काहे नहीं दिए, अगर छिपकली के साथ तिलचट्टा डालकर देता ना बड़ा आपको स्वाद आता, आपको तिलचट्टा डालकर नहीं दिया ना, तभी आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, आप तिलचट्टा और छिपकली दोनों खाए मोमो के साथ, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ, एक साथ आप कैसे खा गए दोनों? अरे हम दोनों को एक साथ थोड़ी ना खाए हैं, वो छिपकली तिलचट्टा को खा ली थी और वो मोमो वाला छिपकली हमने मोमो में डाल दिया, तो एक साथ दोनों टेस्ट आ गया ना हमको। अरे छी 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 डॉक्टर साहब, इस सब सुन के तो हमारा और तबीयत खराब हो रहा है, हमारा जल्दी से इलाज कर दीजिए आप। आपका शरीर में ना ग्लूकोज का कमी हो गया होगा, तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा आपको। ए बेटा जाओ नीचे, 1 गिलास ग्लूकोज बना कर लिया ठंडा पानी में। अरे डॉक्टर साहब, आप पीने वाला ग्लूकोज मंगवा रहे हैं? अरे तो खाने वाला ग्लूकोज कौन सा होता है, पीने वाला होता है ना जी। अरे वो जो बोतल लगा रहता है, सुई डालता है, भोकता है शरीर में, वो वाला बोल रहे हैं? वैसे ना चढ़ाया जाता है ग्लूकोज, डायरेक्ट थोड़ी ना दिया जाता है, ये हम गर्मी से थक के थोड़ी ना आए हैं जो ग्लास में पियेंगे। अच्छा टकला जी, आप सुई से ग्लूकोज लेना चाहते हैं, हम सोचे डायरेक्ट पी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको सुई से लेना है तो सुई वाला लगा देते हैं, हमको क्या है। अरे डॉक्टर साहब, ये सुई कहाँ लगा दी आप, सुई वहाँ थोड़ी ना लगाया जाता है ग्लूकोज का, जहाँ आप लगाए। अरे डॉक्टर हमें कि तुम्हें जी, तुम हमको बताएगा सुई कहाँ लगाना है, जहाँ लगाया वहाँ बढ़िया है, वहीं रहने दो। चलो अब आराम करो, कल मिलते हैं तुमसे, गुड नाइट। अरे दोस्तों, ये तो पहली बार देख रहे हैं ग्लूकोज का सुई ऐसा जगह लगता है, हमको पता ही नहीं था, हम तो जब भी देखे थे हाथ में देखे थे, लगता है हमारा तबीयत ज्यादा खराब हो गया है, हमको तो लगता है इसलिए डॉक्टर पागल है, लेकिन क्या करे, कहीं सही में लगता हो हमको नहीं पता हो, अब देखते हैं कहीं हमारा तबीयत ठीक हो जाए। हमारा तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, हमको माफ कीजिएगा, हम और जगह आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन कोशिश करेंगे अगला ब्लॉग बनाने का, और कमेंट करके बताइएगा कि सुई सही जगह पे लगा है कि नहीं। चलिए अगला ब्लॉग में मिलेंगे,